नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंट का काम करता हूं। और किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना स्टार्टअप करना है, तो मैं आपको इसकी हेल्प इसमें हेल्प कर सकता हूं। आपको ए से लेकर जेड तक जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मेटल स्क्रैप रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, आप उसे फॉलो करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा IRPS पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई कमी लगी आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप CA की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप उसकी हेल्प ना लेना चाहें और ख़ुद करना चाहें तो आप इस वीडियो को देख के आप खुद भी उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे दूंगा। उसका जो फॉर्मेलिटीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपके पास एक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर्टरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी एक फर्म चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3, करंट बैंक अकाउंट वो भी SBI में, और भी और कोई सरकारी बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ SBI की चलता है इसमें, मेल ID और फ़ोन नंबर, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सब इस पे करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे, तो उसका स्क्रीनशॉट है ये पूरा, आप देख सकते हैं सामने आपके, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से काम होगा इसमें, इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले अपन जाएंगे इसमें, इसको IRPS लॉगिन करते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही काम करता है। उसके बाद ई ऑक्शन सेल्स में आएंगे। ई ऑक्शन सेल के बाद जाएंगे क्लिक हेयर रजिस्टर्ड एज ए न्यू बेटर। इस पर जाने के बाद ये फॉर्म खुल के आएगा, फिर इस पर जाएंगे, यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जो हमने लॉग हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अपना पिन डालेंगे डिजिटल सिग्नेचर का, फिर ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में देखिए मेरी कंपनी का डिटेल है, ये पार्टनरशिप है, ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है, इसको प्रोपराइटरशिप करेंगे। ठीक है, यहाँ वेबसाइट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना GST नंबर डालेंगे। मैं अपना नहीं भरूँगा, क्यों मैं आपको कैसे भरना वो बता रहा हूँ। फिर इसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे मेरा नाम पहले से लिखा है, डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिक लेता है इसमें। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद कंट्री सिलेक्टेड है, अब उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं साइड में। उसके बाद आप रेलवे यूनिट कहाँ से आप, जैसे मेरा नॉर्थ सेंट्रल पड़ता है, झांसी कानपुर से नॉर्थ सेंट्रल में आता है। फिर आप इसमें कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, डिपो में कराना है, झांसी डिवीजन के DRM ऑफिस में कराना है। तो मेरा जो स्टोर पड़ता है GSD झांसी, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड इसमें करना है, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। और जब हम सबमिट कर देंगे इसको, तब ये पेमेंट रिसिप्ट हमें मिल जाएगी। इसमें ये ऑनलाइन रिसिप्ट होती है, इसमें आपका ID नंबर, इसमें 2-3 नंबर मैंने काट दिए हैं ताकि मैंने किसी और का रजिस्ट्रेशन कराया था उसका डिटेल थी इसमें। ये मैं नॉर्दर्न रेलवे में कराया है, AMB डिपो में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसमें IRPS का रिफ्रेश नंबर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगी, अमाउंट देखिए 10,000 का हमने पे किया इसमें, और रजिस्ट्रेशन स्लिप हमारे पास आ गई है। अब ये रजिस्ट्रेशन स्लिप हमारा ऑनलाइन सारा काम हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा ऑनलाइन, अब ये काम सारा ऑफलाइन होगा। दोस्तों, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन के बाद अब सारा आपका ऑफलाइन चलेगा। तो ऑफलाइन में ये पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको एक एफिडेविट में प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, वो फॉर्मेट आपको आगे दिख जाएगा, जिसमें आपका फर्म का नाम, आपकी फर्म क्या है, किस में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप है या प्रॉपर्टरशिप है। ठीक है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जो होता है, मतलब आपके 6 पार्टनर है, 6 में से एक आदमी रहेगा। ठीक है, और एक ही आदमी माल उठा सकता है वहाँ जाके, क्योंकि उसी के सिग्नेचर के थ्रू माल उठेगा, आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा उसको, एक आदमी को। फिर उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफी, आपका फ़ोटोग्राफ लगेगा, आपके सिग्नेचर होंगे, स्टैंप लगेगा, उसके बाद आपका ये एफिडेविट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका सैंपल आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों, ये एफिडेविट का एक सैंपल है जो मेरा ही है, और मैंने अपना जब कराया था नई कंपनी का, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो पूरा फॉर्मेट यहाँ से उतरेगा कि भाई आपका फर्म का नाम, ठीक है, कहाँ पे आप दे रहे हैं, क्या है प्रॉपर्टरशिप है, क्या है। इसके बाद ये पीछे आपका वही सेम टू सेम पूरा आ जाएगा कि मैं, ये मेरी फ़ोटो है और ये मैं ही हूँ, पूरा आपको प्रूफ होगा, वेरिफिकेशन होगा पूरा इसमें। फिर आपको नोटरी करा के इसको आप ऑफिस में ले जाना है, डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके ऑफिस में ले जाना है।
अब जब आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार प्रिंट आउट कर लेके जाना है जहाँ जिस ऑफिस में आपका भरा हुआ है, जैसे मेरा GST जहाँ से स्टोर है, तो स्टोर में जाके मुझे अपना GST का एक फ़ोटो कापी, पैन कार्ड की फ़ोटो कापी, करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मेल ID, फ़ोन नंबर, एक और एक आपका लेटर पैड जिसमें पूरा लिखा होगा कि भाई मेरी कंपनी ये है और मैं परचेज़ करने वाला वो मैं हूँ, उसकी पूरी डिटेल लेटर हेड पर प्रिंट आउट होगी। फिर वो प्रिंट आउट आपको लेटर पैड पे सब प्रिंट निकाल के फिर आपको ऑफलाइन जमा कर देना है। अब यहाँ पे आपका ऑफलाइन प्रक्रिया सारी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से आपका जो जहाँ पे आपने इस स्टोर में जमा किया तो वहाँ के अधिकारी डिप्टी CNM होते हैं, डिप्टी CNM स्टोर के इंचार्ज होते हैं, वो आपका अपने डेटा सिग्नेचर से आपका एफिडेविट अपलोड कर देंगे तो आपका ऑनलाइन सब शो करने लग जाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं, जब आपका शो करेगा लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद ये आपको डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपकी कंपनी का नाम ऊपर रहेगा। यहाँ पे आप ऑक्शन कब है, कैसा है, जो लाइव है, इसी ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा जब लॉगिन करेंगे तो आप, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। या आप आगे जाके पब्लिश और फोर्थकमिंग ऑक्शंस भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में कि कौन कौन से ऑक्शंस हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, अभी सेंट्रल का ये ऑक्शन है, यहाँ पे आप प्रिंट और सेव करेंगे तो आपको पूरा सेटअप दिखाई देगा कि कहाँ पे कौन कौन से ऑक्शंस हैं। ये आप देखिए, ये फेरस का है, ये रेलवे ट्रैक्स का ऑप्शंस है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया कैसे IRAPS पर रजिस्ट्रेशन कराना है, और पूरा ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है ये आप खुद भी घर में बैठ कर आराम से कर सकते हैं। अगर आप किसी और से कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी चीज़ें इसमें रहती हैं जो आप खुद नहीं करा सकते हैं, बार आपको CA के पास जाना पड़ेगा या किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि इसमें अगर एक गलती होती है तो पता लगा आपने किसी और स्टोर का नाम डाल दिया इसमें, तो आपको क्या पता कि 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो चीज़ें ख्याल रखिए और सही रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है तो आपके 10,000 जो हैं बड़ी मुश्किल से आप उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी विभागों में भाग दौड़ करके बहुत नुकसान होता है, पैसे भी जाता है, रिसोर्सेज भी जाते हैं। रिफ़ंड तो मिल जाएगा अगर गलत रजिस्ट्रेशन हो जाए तो, रिफ़ंड तो मिल जाता है लेकिन कम से कम 6-7-8 महीने बाद मिलता है। तो इससे बचने के लिए किसी ऐसे से काम करवाइए जिसको इसी पता हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अच्छे CA से कराना है काम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं IRAPS पे। तो और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ऑक्शन में कोई टिप्स चाहिए हो आपको, कैसे करना है, क्या रेट डालना है, तो वो भी मेरे से आप डिटेल ले सकते हैं। आप मेरे से कंसल्टेंसी लेके पूरी चीज़ सीख भी सकते हैं कि स्क्रैप कैसे परचेज करना है, इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना समय देने के लिए। नमस्कार।